हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, बच्चों के पेट में कीड़े होना आम बात है। बचपन में बच्चे वे इतने समझदार नहीं हो पाते हैं कि खुद का भला बुरा समझ पाएं। उन्हें जो दिखता है वही खा लेते हैं और कहीं भी खेलते रहते हैं। इन सभी गतिविधियों में अपनी सफाई भी ठीक से नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ वे संक्रमित मिट्टी खा लेते हैं और संक्रमित पानी पी लेते हैं। संक्रमित मिट्टी या संक्रमित पानी पीने से बच्चों के पेट में कीड़े पैदा होने लगते हैं। ये कीड़े जमीन पर नंगे पैर चलने पर भी शरीर में फैल जाते हैं। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के पेट में कीड़े क्यों होते हैं और उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं। नंबर एक, संक्रमित मिट्टी खाने से। दोस्तों, पेट में कीड़े होने की कई वजह हो सकती है, पर बचपन में बच्चे मिट्टी अधिक खाते हैं, वह मिट्टी भी संक्रमित होती है। जब बच्चे संक्रमित मिट्टी खाते हैं या नंगे पैर घूमने लगते हैं तो उनके पेट में कीड़े पैदा होने लग जाते हैं। इससे पेट में संक्रमण फैलता है। इसके अलावा बच्चों के नाखूनों में भी जब संक्रमित मिट्टी जमती है तब भी उन्हें पेट में कीड़े हो जाते हैं। नंबर दो, अधपका भोजन यानी कि कच्चा भोजन। दोस्तों, बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक प्रमुख कारण अधपका भोजन खाना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सब्जियों को पकाने से पहले ठीक से ना धोया जाए तब भी संक्रमण फैलाने वाले कीड़ों के अंडे सब्जियों पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नंबर तीन, संक्रमित पानी। दोस्तों, संक्रमित पानी में संक्रमण फैलने वाले कीड़े हो सकते हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है, जिस वजह से गंदा पानी का असर उन पर अधिक पड़ता है। इस वजह से भी उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नंबर चार, साफ सफाई ना रखना। दोस्तों, अपने आसपास के स्थानों को साफ ना रखने पर भी कीड़ों का संक्रमण अधिक बढ़ जाता है। जब संक्रमित स्थानों के संपर्क में बच्चे आते हैं तो उनके पेट में भी ये संक्रमण फैलता है, जिससे बच्चों को परेशानी होने लगती है और उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नंबर पाँच, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबलों पर कमजोर होती है, इसलिए उनमें संक्रमण जल्दी फैलता है। इस वजह से बच्चों की ज्यादा देखभाल जरूरी होती है। तो आइए, अब हम जानते हैं कि अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नंबर एक, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा होना। नंबर दो, पेट में दर्द होना। नंबर तीन, बच्चों का वजन घटना। नंबर चार, बच्चों के मल द्वार पर खुजली होना। नंबर पाँच, उल्टी आना या उल्टी आने जैसा महसूस होना। नंबर छह, बच्चों में खून की कमी हो जाना। नंबर सात, दस्त होना या भूख ना लगना। नंबर आठ, दोस्तों, दांत पीसना भी पेट में कीड़े होने का एक लक्षण है। नंबर नौ, मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, जिससे बार बार पेशाब आना। नंबर दस, बच्चों के मल से खून आना। तो आइए, अब हम जानते हैं कि बच्चों के पेट में से कीड़े निकालने का क्या घरेलू उपचार है। नंबर एक, तुलसी। दोस्तों, पेट के कीड़ों को मारने का तुलसी एक आयुर्वेदिक उपचार है। अगर आपके बच्चों के पेट में भी कीड़े हो गए हैं तो आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर दिन में दो बार अपने बच्चों को दीजिए। इससे आपके बच्चों के पेट में पल रहे कीड़े मर जाएंगे। नंबर दो, प्याज। दोस्तों, आधा चम्मच प्याज का रस लेकर दिन में दो बार अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। इससे आपके बच्चों के पेट में आराम मिलेगा और कीड़े दूर हो जाएंगे। नंबर तीन, शहद। दोस्तों, शहद में दही मिलाकर चार से पाँच दिन तक इसका सेवन करें। ऐसा करने से बच्चों के पेट में कीड़े खत्म हो जाएंगे। नंबर चार, गाजर। दोस्तों, कीड़े चाहे बड़ों के पेट में हो या बच्चों के पेट में, गाजर दोनों के लिए ही लाभदायक होती है। सुबह खाली पेट गाजर खाने से पेट में कीड़े खत्म हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।